भाई थोड़े हाथों को पीछे करेंगे बाबू, होता ना थोड़ा सा घरी मोड़ेगा उनकी गाड़ी आ गई, उनकी गाड़ी आ गई इसके बाद मैंने प्लेट पे लो देखो राजेश। हाँ 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 ठीक है मित्रों, यह उत्तर प्रदेश के लिए और खास तौर पर नल एयरपोर्ट जेवर के कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। पिछले 30-35 वर्षों से ये मांग हो रही थी यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा या अन्य कोई इस प्रकार के संभावनाएं बनेंगे, लेकिन वह वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए थी उसके अभाव में वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें प्रथम फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर संभावित है और पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1,00,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। हमारो के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा जॉइंट वेंचर है नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट को का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट
का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा। और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नज़दीक हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है।